काम करते करते मेरा नाखून टूट गया। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं नहीं मैं जाऊंगी। स्पाइडर, रेप्टाइल, छिपकली, हर तरह की प्राणियों से मुझे बहुत डरता है। बहुत अच्छी शुरू हुई थी सुबह, इन्होंने मुझे बहुत इरिटेट करा। इन्होंने पूरे 45 मिनट्स से चीजें कलेक्ट कर लें और सही चैनल तक ना पहुंचाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर। से आप हमें स्प्राइट के एड में देखेंगे। बाय भाई और बहनों। कौन कर सकता है इसके आस पास मोबाइल? इस हंसने वाली बात क्या थी? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो लोग यूके में रहते हैं जाती हुई गर्मी का मजा उठा रहे होंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार आजकल, सीरियसली। सो या एंजॉय द मोस्ट। और स्कूल खुलने वाले हैं भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो सच्ची बता रही हूँ। मेरा ना, मैं इस बार तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, सीरियसली यार। मैं उन सबको हैट्स ऑफ करती हूँ जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं। सीरियसली यू गाइस आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब। हम तो आपके मुकाबले में शायद आधा ही काम कर रहे हैं, बट उस आधे काम में भी यू नो मेरे लिए ना ये दिक्कत नहीं है खाना बनाना, घर का काम करना, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे लिए ये भी दिक्कत नहीं है अभी का ध्यान रखना, उसे घुमा रहे। लेकिन भाई द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ही आस्क्स मी, वो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। ये क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों, क्या है भाई, क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? एनीवे चलो ये तो चलता ही रहेगा। आई थिंक हम भी जब छोटे थे हम भी अपने माँ बाप को ऐसे ही तंग करते होंगे, ऐसे अनॉय करते होंगे। हाउएवर आज मुझे उसके स्कूल का बैग खरीदना है, थोड़ी सी और चीजें खरीदनी है। स्कूल यूनिफॉर्म हमारे पास आ रही है, स्कूल की नई यूनिफॉर्म नहीं लेने की जरूरत। शायद मैं अभी उसका हेलोवीन की छुट्टियों के बाद में उसकी लूंगी क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि मैं भी उसकी समर वाली यूनिफॉर्म ही उसे पहनाकर भेज रही हूँ। तो विंटर वाली नहीं खरीदनी है, लेकिन वो मैं खरीदूंगी कुछ अक्टूबर में। तो ये मेरा प्लान है उसके स्कूल को लेकर। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, आज हमारे घर में काम शुरू होने जा रहा है। तो मैंने आपको अपने शायद पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि हमारे गेस्ट रूम के अंदर वार्डरोब्स बननी है। मैं घर के ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा कुछ काम करवा रही हूँ और फिर लिविंग रूम में हम थोड़ा सा काम करवा रहे हैं। तो आज से वो सब शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आप बस बने रहिएगा और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। दुबई जाने से पहले मैंने सारे डुवे कवर्स वगैरह बेडशीट्स इस रूम की उतार दी थी और पूरा बेड को नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो अब मैं ये सारी बेडशीट्स वगैरह पैक कर दूंगी और मैं इस पूरे बेड को कवर कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर बनने जा रही हैं हमारी वार्डरोब्स और यहाँ पर बनेगा ड्रेसिंग टेबल। ठीक है जी, तो करते हैं काम शुरू। काम करते करते मेरा नाखून टूट गया। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने नेल्स लगा के घर का काम कैसे कर लेते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ, शायद मुझे आदत हो गई है, कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है। मैं उतनी ही लेंथ रखती हूँ जितनी की जिससे मैं काम कर सकूँ। हालांकि ये वाली लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज मैं हॉलीडे पर गई थी, बट हाउएवर काम हो जाता है यार। वो कहते हैं ना जब सर पे पड़ती है ना तो नेल्स वेल्स नजर नहीं आते, तब सिर्फ काम नजर आता है। हाउएवर काम करते हुए यस नेल्स टूटते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नेल टूट चुका है। Oh my God, I don't like it. चलो जी, अब सारी चीजें उठ गई हैं। मैं डुवे को नहीं उठा रही हूँ बिकॉज काम उस तरफ पे होना है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दूंगी इसके ऊपर, कोशिश करूंगी कि धूल मिट्टी ना पड़े बेड के ऊपर। तो बेड पूरा कवर हो गया है, तो ये रूम रेडी है काम के लिए। पंखे को मैं मूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहां पे कोई काम नहीं होना है, सारा काम यहाँ पर होना है। गुड मॉर्निंग, खा लिया तुमने योगर्ट? तुम ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ क्या कर रहे हो? मैं चलो अब थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते हैं। देखो मैंने कहा पढ़ाई कर लेते हैं, कहना कैन आई प्ले आउटसाइड? कोई नहीं, भेज देते हैं थोड़ी देर बाहर, बाहर खेल लेगा, अच्छी बात है। मैं जूते कहाँ? चलो तुम थोड़ी देर खेल लो, ठीक है? थोड़ी देर में काम शुरू हो जाएगा, तो मैं सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, ठीक है? ताकि वो लोग अच्छी तरह काम कर लें। और हमें जाना है थोड़ी देर में तुम्हारा स्कूल बैग लेने। तो ये सारे जितने भी पौधे हैं सारे मुझे हटाने होंगे। तो ये जो आप वायर देख रहे हो ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक पूरा मिरर आएगा और मिरर के पीछे होगी लाइट। और मुझे पता नहीं है कि वो लोग पहले कहाँ पर काम शुरू करेंगे, तो मैं काम करती हूँ, मैं अपनी पूरी तैयारी रखती हूँ, ये सारे प्लांट्स यहाँ से हटा देती हूँ। बेबी हम उनका एक्सेस पिछले डोर से ही रखने वाले हैं ना? ठीक है, तो मुझे पर्दे भी दोनों ऊपर टांगने पड़ेंगे। ओ भाई जल्दी आ, स्पाइडर भाई
पागल हो यार कैसे रहा भाई? वाइफ ऊपर से लानी है, ऊपर से ये तो बोला वाइफ के साथ वापस आओ भाई, जल्दी आओ। स्पाइडर से बोतल लग गई, मैं जाऊंगी। स्पाइडर, रेप्टाइल, छिपकली, हर तरह की प्राणियों से मुझे बोतल। आ गए हमारे सीरियल से, कॉल पे रह के ये वाले गाड़ी को अपने घर के आगे पार्क कर देती हूँ ताकि वो लोग ड्राइववे में अपनी गाड़ी लगा लेंगे। उनके पास एक बहुत बड़ी वैन होती है तो आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए। भाई मौसम बहुत अच्छा है, सीरियसली दिखने में गर्मी है क्या अच्छा है। चलो भाई गाड़ी लग गई है, गाड़ी लग गई है और ड्राइववे उनके लिए क्लियर हो गया। बेबी आपका मूसली और योगर्ट, क्रिनोला नहीं है तो मूसली में दिया है। यहाँ चल रही है पढ़ाई भी साथ साथ, भाई बहुत सारे काम चल रहे हैं, बंदे का काम भी शुरू हो गया है, इसके लिए जगह बना देते हैं। चलिए काम वाम चल रहा है। सर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है आपके टेबल पे। सर आप मेरे ब्लॉग में नहीं आए तो मैंने कहा आपको भी ले लें, कैसे हैं आप? बस यार बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए, कैसे हो आप? सब सही है? बहुत अच्छे, सुबह बहुत अच्छी शुरू हुई थी। सुबह इन्होंने मुझे बहुत इरिटेट करा, इन्होंने पूरे 45 मिनट्स लिए हैं भाई, मैं इन्होंने रेडी होने के लिए, वो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए। इसके नीचे इन्होंने एक निक्कर पहनी थी, मैंने इनको बोला आप क्या वर्क फ्रॉम होम तो ऊपर से करना होता है ना, घर में कोई आने वाला है, काम शुरू होने वाला है, नीचे निक्कर भी पता वो बास्केटबॉल खेलने वाली ना होती लटकी लटकी सी, मुझे समझ नहीं आता उनका आसन टांगों में आ रहा होता है। जॉर्डन्स, मैं जॉर्डन में निकाल दूंगी, ये खा लेना पूरा। ये चैरिटी वाले कपड़ों का बैग है, इसको चैरिटी में देना है आज। तो सब प्लांट्स क्योंकि ये वाला पूरा एरिया यूज होगा तो मैंने सारा एरिया खाली कर दिया। हमारे लिविंग रूम के अंदर जो काम होने जा रहा है वो ये है कि इस पूरी टीवी की वॉल पे हम एक फ्रेम लगवा रहे हैं, लाइक इसको फ्रेम करवा रहे हैं पूरी टीवी की वॉल को, तो मैं आपको दिखाऊंगी और टीवी के पीछे एक बड़ी अच्छी लाइट आ जाएगी। तो इस पूरी वॉल को हम कवर करेंगे उस वुडवर्क के साथ, तो देखते हैं कैसा आता है। जैसा हमने सोचा है वैसा बनता है कि नहीं बनता है, बट आई एम श्योर वैसा ही बनेगा बिकॉज हरजीत जी एंड हिज टीम इज़ वेरी टैलेंटेड। तो यूके में जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सब घरों में ऐसे बैग्स ड्रॉप करके चले जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने अनवांटेड क्लोथ्स जो आप पहनते नहीं हो और एक अच्छी कंडीशन में है आप वो डोनेट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यू नो सेलिंग ऑन द साइट्स, मैं हमेशा अपने क्लोथ्स डोनेट करती हूँ, या तो मैं अपनी फैमिली में किसी ना किसी को दे देती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज डोनेट इन द चैरिटी। तो बस ये जो मैंने अभी कपड़े निकाले हैं पुराने वाले, वो वाला बैग मैं इसको खोलूंगी, इसके अंदर एक और बैग होगा तो इसके अंदर मैं अपने सारे पुराने कपड़े डालकर रख दूंगी और ये लोग आपके घर से आकर पिक कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्लीज सपोर्ट अस, और लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी ड्राई एंड क्लीन क्लोदिंग, हैंडबैग्स, एक्सेसरीज, कुछ भी यू नो कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जो जो आप दे सकते हो डोनेट कर सकते हो आप जरूर करो। मैं इस बैग में सब कुछ फिल कर दूंगी और ट्यूजडे को वो लोग ये बैग मेरे घर से ही कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लीव योर बैग आउटसाइड सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम द रोड By 8 AM on your collection day. तो ट्यूजडे को मैं सुबह 8 बजे ये बैग बाहर रख दूंगी तो वो लोग कलेक्ट करके ले जाएंगे और यू नो बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो ये बीर की एकदम ब्रांड न्यू टी शर्ट है, लाइक उसने 2 से 3 बार ही पहनी है, किसी बच्चे के काम आ जाएगी। ये जारा की जीन्स है सौरभ की और उसको अब फिट नहीं आती है इतनी, तो फिट लूज करते रहेंगे तो फिट कहाँ से आएंगी चीज़ें? फिर को तो कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे हम वो नहीं खाएंगे। चलो छोड़ो ये तो हमारे घर की कहानी है। एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था कि वो लोग कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स भी ले लेते हैं, तो मैं अगली बार से उनको वो भी दे दूंगी। और नहीं यार जितने लोगों का भला हो जाए ना उतना अच्छा है, मैं तो कहती हूँ सीरियसली। बस अब ये कपड़े उन तक पहुंच जाएं जो कि पहुंच जाएंगे, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि वो आपसे चीजें कलेक्ट कर लें और सही चैनल तक ना पहुंचाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर। सीरियसली बहुत ज्यादा ही वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं इस चीज के अंदर, सो आई एम श्योर मैं जो भी चीजें भेजूंगी वो उन सब जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगी जहां वो पहुंचनी चाहिए।
अभी तो इसके अंदर और भी कपड़े चले जाएंगे, तो ट्यूजडे को ये बैग कलेक्ट होना है, कोई भर दूंगी मैं इस बैग को ट्यूजडे तक। कुछ चाहिए था नहीं सारे को? तो मैं और अभी निकल चुके हैं मॉल के लिए, निकल चुके मतलब बस गाड़ी अब चलाने लगी हूँ मैं, और भैया के यहाँ स्कूल बैग लेकर आना है और एक दो चीजें लेनी है और फिर भैया को हमने विदा करना है। हाँ तो स्प्राइट पी ले। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्प्राइट। हाँ इन्होंने चाचा लग दे ना स्प्राइट वाले। हाँ स्पॉन्सर्ड बाय स्प्राइट गाइस। एंड गाइस गाइस टुडे I'm getting this bag and it's a pop-it bag. So on the side you can pop this stuff. पता है इसके ना ख्याली पुलाव है, इसने आज से एक साल पहले वो बैग देखा था, तब ये अपना बैग खरीद चुका था नई क्लास के लिए, तो मैंने सोचा तुझे मैं अगले साल खरीद के दूंगी। अब पता नहीं वो बैग वहाँ मिल रहा है अभी भी कि नहीं मिल रहा है। Hopefully I'm crossing my fingers. Yeah, cross. Crocs my fingers. Yeah, cross. Because this video is sponsored by Crocs. अच्छा Crocs तेरे वो चप्पलें हैं। नहीं, कुछ भी भूल जा रहा है। This is sponsored by Sprite. Yes. हमें Sprite वालों ने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, अब से आप हमें Sprite की एड में देखेंगे। बाय भाई और बहनों। हैप्पी मिल गया बैग, चलें। तो ये वाला बैग चाहिए था, पॉपेट वाला इनको। Yeah. अब इससे खेलते मत रहना, स्कूल में पढ़ाई भी करनी है। चलो अबीर मस्त है, अपना एंजॉय कर रहा है अबीर। अबीर सो क्यूट, अबीर अपना खूब एंजॉय कर रहा है लास्ट फ्यू डेज ऑफ समर को, तो बस कुछ ही दिन बचे हैं गर्मी में। मैं क्या चलो कर ले बच्चा एंजॉय। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट की हाइट पे ना शेल्फ अच्छी लगती है, तो मैंने कहा हाँ आप अपने अंदाजे से लगा दो। हे भगवान आज तो हालत बहुत खराब है, वो आधे से ज्यादा काम करके चले गए हैं, तो आपको दिखाते हैं कितना काम में काफी अच्छा काम करे। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स लग गई हैं, अब इस वाली वॉल पे भी लगनी है, वो इसलिए काट के गए हैं क्योंकि यू विल हैव अ शेल्फ। ये काम करियो तू ना कारपेट इसके ना आसपास से होवर कर दियो, मतलब कि देख लियो कौन कर सकता है इसके आसपास होवर। इस हंसने वाली बात क्या थी, कोई किसी ने आने हैं यार, मतलब मेरे को ना ऐसे फिर धूल नजर आ रही है, देख मुझे वो धूल वूल नजर आ रही है ना, काम चल रहा है यहाँ पे। जी 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 मैं अपने दिल को बोलता है कार ये उठा के। तो एनीवे गाइस हम अपनी कहाँ सफाइयों की बातों में पड़ गए, वो तो चलती रहेंगी। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स आ रही है, यहाँ पे मिरर्स भी आएंगे और क्या लाइटें रह गई सब। मैं एक्साइटेड भी हूँ कि घर में काम हो रहा है, और आप लोगों को पता ही है ये मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, और जब घर में काम होता है ना मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धक 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 होती रहती हैं, क्योंकि मैं मिट्टी मिट्टी नहीं देख सकती हूँ, मुझसे देखी नहीं जाती, वो डस्ट वगैरह मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जाती। अबीर के लिए अभी मैं बनाती हूँ डिनर, ठीक है, कल उसका है रग्बी मैच, तो कल से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल परसों से खुल रहे हैं, लेकिन कल उनका एक रग्बी मैच है, तो उसमें उसको मुझे लेके जाना है, और घर में काम भी चलना है, सौरों को अपनी वर्क ट्रिप के लिए निकलना है, तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो एक काम करते हैं आपसे मिलते हैं कल सुबह, इतनी देर में ये घर में जो भी फिलहाल वगैरह हो रखा है इसको संभालते हैं, डिनर बनाते हैं, और आपसे मिलते हैं कल सुबह। अबीर का मैंने परांठा रेडी कर दिया है, गोभी वाला परांठा दही के साथ। अबीर कहाँ पर है मेरा बच्चा, चलो आ जाओ, आ जाओ, परांठा रेडी है, जल्दी आ जाओ।